जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है कन्या राशि के लिए 7 अगस्त 2017 को होने वाला चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा उसके बारे में। सावन सुद पूनम सोमवार रात को 10:52:03 को इंडिया टाइम पर शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण का मोक्ष होता है रात को 11:50:13 को। ये ग्रहण राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बता दें कि ये जो ग्रहण है वो आपके पंचम स्थान के अंदर से हो रहा है। पंचम स्थान जो है वो विद्या संतान प्रणय संबंधों का स्थान है। यहाँ पर ग्रहण का फल शुभ नहीं माना जाएगा। पांचवें स्थान में ग्रहण होने के कारण आपको खान पान के अंदर भी विशेष केयर करना होगा। पेट में गड़बड़ हो सकता है। खास करके जो भी जातक का जन्म कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हुआ है इनके लिए ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा उनके लिए भारी हो सकता है। तो खास करके आपको खान पान में विशेष केयर करना होगा। कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए थोड़ा ज़्यादा भारी रहेगा ग्रहण का प्रभाव, और मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है, अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है, जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है। ग्रहण के अशुभ तत्व के निवारण के लिए बंदरों को खिलाएं। ग्रहण के अशुभ तत्व के निवारण के लिए आप अपने इष्ट देव या देवी का महत्तम ध्यान करें, अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। गूगल प्लस फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।